लीडर इन LA2 शक्सवारी जफर महमूद, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ PTI जफर महमूद टू कम ऑन स्टेज। नख्मदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस पुरवकार तकरीब के सदर साहबजादा बाजी मियाँ अब्दुल क्यूम साहब, आज की इस तकरीब के मेहमान खसूसी मेरे कायद कायद कश्मीर बरसे सुल्तान महमूद चौधरी साहब, पीर खलीफा बशीर साहब और आज की इस तकरीब के दुलखा मनीर रिजवी साहब और काउंसलर मसूद साहब पंडाल में बैठे हुए PTI के मेरे भाई, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे दोस्त। सच्ची बात तो ये है कि आज मैं इंतहाई खुशी महसूस कर रहा हूँ कि जैसा कि आगे मेरे एक दोस्त ने अपनी तकरीर में कहा कि इस मिड बैंसी के अंदर ये बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब का पहला जलसा है। मुझे फ़ख्र है भाई साहब आपके एक कारकुन होने पे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज इतनी बरकत डाली कि आपने मिड बैंसी के अंदर ये पहला नहीं, आप जलसे होंगे इंशाल्लाह ताला और अज़ीज़। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इलेक्शन का माहौल शुरू हो चुका हुआ है। हमें पता है कि आज से चंद दिन पहले जब इस एरिया में लॉकडाउन की बात की गई, हम जानते हैं कि इस जलसे को रोकने के लिए की गई। वैसे साहब मैं आपका मशहूर हूँ कि आपने इस जलसे के इनकाद के लिए अपना रोल प्ले किया और आज हम सब यहाँ पे मौजूद हैं। ये इस बात की वाजिया दलील है कि अल्लाह के करम से कल भी बरसे सुल्तान का डंका बजता था, आज भी बजता है, आइंदा भी बजेगा इंशाल्लाह ताला। हम गवर्नमेंट में भी नहीं थे, फिर भी इस मिड बैंसी के अंदर, इस पोठा यूनियन काउंसिल के अंदर वो मेरे साथी, वो मेरे दस्तो बाजू जो पहले दिन से मेरे साथ चले, जितनी मुश्किलात उन्होंने फेस की, यकीन जानिए मैं सुना करता था सियासत में आने से पहले कि सियासत के अंदर थाना और पटवारी का कल्चर चलता है। आप यकीन जानिए इस हलके के अंदर और बिलखसूस इस यूनियन काउंसिल के अंदर ये इतना मुनज़्ज़म और मजबूत था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। छोटी सी बात के ऊपर आपके खिलाफ पर्चे दर्ज होते थे, आपको कचहरियों में घसीटा जा सका, लेकिन आफरीन है मेरे दस्त बाजुओं पे। सच्ची बात यह है खड़े रहे मेरे साथ, हमने मुकाबला किया, थानों में हमने पर्चे फेस किए और उसके साथ साथ आज जो मसनद इक्तदार के ऊपर बैठे हुए हैं, आज जो सरकारी पोस्ट के ऊपर बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ भी हमने पर्चे करवाए इंशाल्लाह। ये गवाह है, ये यूनियन काउंसिल गवाह है कि जिस अंदाज के अंदर हमने ये तकरीबन 5 साल फेस किया, कोई और होता तो शायद भाग जाता, लेकिन मैं सल्यूट करता हूं अपनी टीम को, मर्दानावार मुकाबला किया। अब तो आने वाला वक्त आपका है, दौर आपका है इंशाल्लाह ताला अज़ीज़। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमें नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ जून के अंदर इलेक्शन होगा और इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ PTI की गवर्नमेंट बनेगी और हम सब के महबूब कायद बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी वज़ीर आज़म होंगे और उसके बाद वो तामीर तरक्की का दौर
जो इनके सबका वजारत उज़्मा के दौर में था उसकी एक दफ़ा फिर इब्तिदा करेंगे। जहाँ तक यहाँ के मसाइल की बात है, मुकम्मल तौर पर मसूद साहब आगा हूँ। मुनीर रिजवी साहब, आपके साथ जो वादा किया है आज अपने कायद की मौजूदगी में ये बात करता हूँ, चाहे आपकी आबादकारी के मसले हों, चाहे जो यहाँ पे कब्जे किए गए बाहर से ला के लोगों को यहाँ पे अलाटमेंट की गई, इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ वो अलाटमेंट भी कैंसिल होगी, इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ मुनीर रिजवी साहब आपकी आबादकारी के मसले भी हल होंगे। और ये ना सिर्फ इस यूनियन काउंसिल के अंदर बल्कि पूरे इस हलके के अंदर मेरे कनेली के दोस्त यहाँ पे चंद बैठे हुए हैं, आपके मसाइल भी आपको पता है माँ का, इंशाल्लाह उनको भी हल करेंगे। लंबी बात नहीं करूँगा चूँका ये खासा लंबा प्रोग्राम हो चुका हुआ है। बैरिस्टर साहब, ये एक ट्रेलर है, जैसा कि मैं आपके साथ गाड़ी में जिक्र कर रहा था, और आपकी करम नवाजी कि आपने कहा है कि जब आप आवाज़ दोगे मैं हल्के के लिए हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ बैरिस्टर साहब, रब की ज़ात कोई बड़ा बोल ना बुलवाए, अल्लाह की ज़ात मेरी ज़ुबान मुबारक करे, आज ये सीट आप साथ लेके जा रहे हैं। आपका दस्त शफकत रहना चाहिए, यकीन जानिए हर बच्चे बच्चे की जुबान पे है कि पीटीआई की गवर्नमेंट आएगी और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी वजीर आजम बनेंगे इंशाल्लाह ताला। अपनी तमाम टीम का, तमाम ओहदेदारान का, पंडाल के अंदर बैठे हुए मेरे तमाम दोस्त बुजुर्गों का आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरा मान रखा। इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ आपको मैं मायूस नहीं करूँगा और आपको इस सीट की पेश की मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह साहब का हामी नासर हो।